जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर एक थिस्सलुनीकियों के पांचवें अध्याय के तीसरे दिन में। पिछले चार एपिसोड में हम बात कर रहे थे यीशु मसीह के पुनः आगमन की। पौलुस ने उस प्रसंग में कहा था कि हम लोग दिन के उजाले के लोग हैं और यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में हम किस तरह से सावधान होकर सतर्कता का जीवन बिताएं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो इस सप्ताह के बाकी दिनों में हम यह देखेंगे कि प्रकाश के पुत्र होते हुए हम व्यावहारिक रूप से क्या कर सकते हैं, और आज हम पद 12 से 14 को देखेंगे। और इन पदों में हम दो विशेष गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें होना चाहिए। एक है आदर, आदर का गुण, और दूसरा है परखने की ताकत। अगर मेरे अंदर प्रकाश है तो एक तो मैं आदर दूंगा और दूसरा मेरे को औरों की जरूरतों की परख होगी। पहले जल्दी से हम बात कर लेते हैं आदर के बारे में। पद 12 से 13 में पौलुस कहता है, ओ भाइयों और बहनों, हमारी आपसे एक प्रार्थना है, आप उन व्यक्तियों का आदर करें जो आपके बीच परिश्रम करते हैं, प्रभु में आपके अधिकारी हैं और आपको चेतावनी देते हैं। आप प्रेम पूर्वक उनका अत्यधिक सम्मान करें क्योंकि वे आपके लिए परिश्रम करते हैं, आपस में मेल रखें। पौलुस कहता है दूसरों का आदर और सम्मान करो, विशेष तौर पर उनका जो आपके आत्मिक अगुवे हैं। यह मजे की बात है कि जो लोग अंधकार में हैं उन लोगों के पास आदर करने की, सम्मान करने की ताकत ही नहीं होती। उनकी पूरी ताकत तो दूसरों से आदर और सम्मान लेने में लगी रहती है कि लोग मेरा आदर करें। पर अगर मसीह की ज्योति मेरे अंदर है तो मैं दूसरे का आदर कर पाता हूँ। क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं दूसरों के साथ अपने संबंध में सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो जो लोग मेरे लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग मेरे को चेतावनी दे रहे हैं, मेरे को प्रभु की राह में रखते हैं, मैं उनसे असुरक्षित महसूस नहीं करता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे चेतावनी देकर, ज़रूरत पड़ने पर मेरे को डांट कर, फटकार कर वो मेरा असम्मान कर रहे हैं। अगर वो मेरे को कुछ कड़ाई से भी मेरे साथ पेश आते हैं तो वो मेरे को परमेश्वर की राह पर रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका मेरे ऊपर जो अधिकार है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए वे मेरे पीछे परिश्रम करते हैं, मेरे को सिखाते हैं और मैं उनका सम्मान कर पाता हूँ, प्रेम पूर्वक उनका आदर कर पाता हूँ, उनके साथ मेल रखता हूँ। और दूसरा गुण जिसके बारे में पौलुस बोल रहा है वो है परखने का गुण। उनसे पहले पद 11 में कहा था एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, पर सबको प्रोत्साहन का तरीका एक नहीं होता, सबके लिए प्रोत्साहन का मतलब भी अलग अलग होता है। मान लीजिए आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले यह परखेगा कि आपको बुखार क्यों है। मलेरिया की बुखार का इलाज और सर्दी के में लगने वाले बुखार का इलाज वो एक तो नहीं हो सकता। वैसे ही किस तरह का प्रोत्साहन किस व्यक्ति को चाहिए कि वो विश्वास में आगे बढ़े, यह एक परख का विषय है। सही समय पर सही शब्दों का बोलना यह परख का विषय है, और वो परख हमें चाहिए। कब, किस समय, कैसे, क्या बोलना है, किसे प्रोत्साहन देना है, आप एक ही तरह से सबको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं और समय की मांग पर निर्भर करता है। और यहाँ पर 14 पद 14 में पौलुस ऐसे तीन प्रकार के व्यक्तियों के समूह के बारे में उल्लेख करता है। पद 14 में पौलुस कहता है, भाई और बहनों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आलसियों को चेतावनी दें, भीड़ों को सांत्वना दें, दुर्बलों को संभालें और सबके साथ सहनशीलता का व्यवहार करें। पहला समूह जिनकी बात पौलुस कर रहा है वो है आलसी लोग। यह आलसी का अर्थ है वो लोग जो अव्यवस्थित हैं, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, जो उन्हें करना चाहिए नहीं करते। ऐसे लोगों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे जिससे वे लोग वो करने लगें जो उन्हें करना चाहिए? कैसे आप इन लोगों को उत्साहित कर सकते हैं कि वे लोग अपने जीवन में अगला कदम लें? अब ऐसे लोगों को स्पष्ट दिशा दिखानी होती है। जो लोग व्यवस्थित नहीं हैं, आलसी हैं, उनके साथ इधर उधर की बातों से काम नहीं बनेगा। कई बार हम सांकेतिक भाषा में बात करते, प्रश्न पूछकर, जैसे कि अगर ऐसा करोगे तो कैसा रहेगा, इससे काम नहीं बनने वाला। उनको स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है, स्पष्ट शब्दों में बताओ कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, और अगर उन्होंने नहीं किया जो उनसे अपेक्षा है उसका क्या परिणाम हो सकता है, उन्हें चेतावनी दो। विपरीत परिणाम का डर ही ऐसे लोगों को चेता सकता है। इसलिए पौलुस कहता है
आलसियों को चेतावनी दो। सच्चाई तो यह है कि मुझे ये चेतावनी वाला अंक पसंद नहीं आता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जीवन में कई क्षेत्रों में अव्यवस्थित है। मेरे को चेतावनी की आवश्यकता पड़ती है, पर मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से चेतावनी लेना नहीं चाहता जिसे चेतावनी देने में मजा आता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिसको आपको बुरा महसूस कराकर उनको अच्छा लगता है, उन्हें आनंद मिलता है। कृपया आप ऐसे व्यक्ति मत बनिए। और मेरे को किसी को चेतावनी देने में भी दिक्कत आती है। मैं उस तरह का व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी क्षमा के बारे में बोलना अधिक पसंद करता हूँ। पर हम अगर किसी को यह बोलते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, पर हम उसे यह नहीं चेताते कि वो पाप कर रहा है, तो जो कुछ भी कर रहा है उसके परिणाम क्या होंगे इस बारे में नहीं बताते, तो मैं उसे ऐसा प्रेम नहीं कर रहा जैसा कि परमेश्वर मुझसे चाहते हैं मैं उससे करूँ। कभी कभी प्रेम को कठोर होना पड़ता है। हाँ, परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे, परंतु मैं उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। मैं उसे बदलने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। मैं चापलूसी करके उसके विकास में रुकावट बन रहा हूँ। इसलिए जो विश्वासी भाई बहन आलसी हैं, अव्यवस्थित हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने का तरीका है स्पष्ट शब्द में चेतावनी देना, परंतु प्रेम और अनुग्रह के साथ। और फिर पौलुस कहता है, भीरुओं को सांत्वना दो। कौन है भीरु? वो व्यक्ति जिसे यह लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के पास वरदान नहीं है या उसके पास प्रतिभा नहीं है, पर उसके पास हिम्मत नहीं है, उसे डर लगता है। अब डर कई प्रकार के हो सकते हैं। असफलता का डर, यह डर कि लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाए जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, आत्मविश्वास की कमी। उदाहरण के लिए हो सकता है किसी को परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी आवाज़ दी है, पर वो उपासना में, आराधना में अगवाही करने से घबराता है। किसी के पास बहुत ही बढ़िया गवाही है जिससे लोगों को उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे, पर वो सबके सामने बोलने से डरता है, चुप रहता है। कई लोग रहते सबके सामने, उनको प्रार्थना करने से हिचकिचाहट होती है, उन्हें लगता है कि पता नहीं मैं सही से प्रार्थना कर भी पाता हूँ कि नहीं कर पाऊँगा। ऐसे लोगों को चेतावनी की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जहाँ पे सांत्वना हो। सांत्वना का अर्थ होता है ढाढ़स देना, विश्वास दिलाना। बहुत विश्वासी है इस दुनिया में जो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं, अगर सिर्फ कोई एक व्यक्ति उनमें विश्वास दिखाए। अगर कोई उनकी आँख में आँख डालकर कहे, तुम्हें पता है तुम्हारे पास परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिभा है, तुम अपने आप में अनूठे हो, कि तुम्हारे जीवन में एक परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। और ये सच है हर उस व्यक्ति के लिए जो इसे अभी सुन रहा है, जो मेरे को सुन रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है। मैं हो सकता है आपको नहीं जानता, पर मैं यह जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बनाया है एक विशेष उद्देश्य के लिए। उसके लिए वरदान दिए हैं, उसके लिए प्रतिभाएं दी हैं, और उस उद्देश्य को केवल आप ही पूरा कर सकते हो। तो आप भीरुओं को एक कोने में बैठे रहने नहीं देते, आप उनको प्रोत्साहित करते हो सांत्वना देकर, उनको उनके खोल से बाहर निकलने में मदद करके। तो आलसियों को चेतावनी देते हैं स्पष्ट शब्दों में, भीरुओं को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें सांत्वना देकर, आत्मविश्वास जगाने में उनकी मदद करते हैं, और तीसरा पौलुस कहता है दुर्बलों को संभालो। अब हो सकता है यह शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति हो जिसे संभालने की आवश्यकता है, पर यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो आत्मिक रूप से दुर्बल हैं। ये लोग आलसी नहीं हैं, भीरू भी नहीं हैं, पर ये इतने दुर्बल हैं कि नहीं लगता है कि इनके पास शक्ति ही नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उससे बचने की भी ताकत इनके पास नहीं है, इनको ऐसा लगता है। और इन लोगों के पास आत्मिक रूप से बढ़ने की इन्हें ज़रूरत है, और इन लोगों की मदद आप कर सकते हो। बड़ी सावधानी से जब चुनते हो कि क्या आप उनके सामने करें और क्या ना करें। इस बारे में नए नियम में बहुत कुछ लिखा है, जैसे 1 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, सावधान रहो, कहीं तुम्हारा यह अधिकार उनके लिए जो दुर्बल हैं पाप में गिरने का कारण ना बन जाए। एक तरीका है कि आप में जीवन यापन के तरीके का जो अधिकार है, जो स्वाधीनता है आपके यीशु में, आप दुर्बल व्यक्ति का ख्याल रखते हुए उसे संभालते हो, उस अधिकार को आप त्याग देते हो कुछ समय के लिए। उदाहरण देकर मैं बताता हूँ, अगर कोई शाकाहारी है, उसे लगता है कि मांस खाना गलत है, तो आप उसके सामने मांस का सेवन ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसे लग सकता है कि एक यीशु विश्वासी
शायद कुछ भी कर सकता है, और ऐसा सोचकर वो ऐसा कुछ करने लगे जो वाकई में वास्तव में पाप हो। अब अगर ध्यान से देखें तो बाइबल के मुताबिक थोड़ा बहुत मदिरा पीना गलत नहीं है, पर फिर भी अगर कोई दुर्बल है, मदिरा अगर किसी कमजोरी है, उसके सामने अगर आप मदिरा पीते हुए नजर आ गए तो वो क्या करेगा? वो उसी में लिप्त हो जाएगा, वो नशा करने लगेगा। इसलिए परमेश्वर के अधिकतर दास मदिरा सेवन से दूर रहते हैं, दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि मदिरा सेवन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जरा सा आपके ऐसा करने से किसी और को संभालने के स्थान पर आप चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ करना या न करना हम विश्वासियों के लिए नियम या व्यवस्था के बारे में नहीं है, पर प्रेम के बारे में है, दुर्बल को संभालने के बारे में है। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने यीशु पर विश्वास किया, उसे अपना प्रभु माना, और फिर उसने विश्वासियों को गोमांस खाते हुए देखा एक मंडली में, और उस वजह से उसने मंडली में वापस जाना छोड़ दिया। कैसा है मेरे जीवन यापन का तरीका? मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ? मैं किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करता हूँ? मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ? मैं यह सोचकर करता हूँ सावधानी से, ताकि मेरे कारण कोई आत्मिक रूप से दुर्बल विश्वास से न गिर जाए या विश्वास में आए ही ना। तो आपने देखा पौलुस ने तीन तरह के लोगों के बारे में बताया, और यह तीन तरह के लोग अक्सर विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पर अलग 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 व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का तरीका भी अलग अलग है। किसे कैसे प्रोत्साहित करना है उसके लिए परखना जरूरी है। अगर मैंने अव्यवस्थित आलसी व्यक्ति को सांत्वना दे दी तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वही जो भीरू है उसे चेतावनी दे दी तो बेचारा और भी डर जाएगा, घबरा जाएगा। कई बार हमसे यह गलती हो जाती है, हम सबका एक अलग अलग अंदाज है दूसरों को प्रोत्साहित करने का, हम उसी अंदाज में सबको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, पर सबका प्रोत्साहन कर लेने का तरीका अलग अलग होता है, और जब वो उनमें कोई बदलाव नहीं दिखता तो हम मायूस हो जाते हैं। इसलिए पहले परखना बहुत ज़रूरी है, किसकी क्या आवश्यकता है, किसकी क्या दवाई है। और इसलिए पौलुस पद 14 के अंत में कहता है, सबके साथ सहनशीलता का व्यवहार करें, लोगों की आवश्यकता को परखने के लिए उन्हें सुनना, उनकी हरकतों पर ध्यान देना, और उन्हें समझकर उनकी आवश्यकता का आकलन करके यह सोचना कि कैसे इसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ, और फिर प्रार्थना के साथ उससे करना, इन सब में बहुत सहनशीलता चाहिए। और फिर भी लोग रातों रात बदल नहीं जाएंगे, उनके साथ आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा। परखने के लिए समझ और सहनशीलता, ये दोनों ही आसान नहीं है, और इसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। और हम जब आज अध्ययन कर रहे थे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसे कुछ लोग आए हों जो शायद आलसी हैं, अव्यवस्थित हैं, या फिर भीरू हैं, या दुर्बल हैं, या हो सकता है कि आप खुद इनमें से एक हो। क्योंकि हम में से हर कोई, अगर मैं अपनी बात करूँ कम से कम, तो कई क्षेत्रों में मैं आलसी हूँ, कई क्षेत्रों में मैं भीरू भी हूँ, कई क्षेत्रों में दुर्बल हूँ। मेरे को भी ज़रूरत है प्रोत्साहन की, आपको भी होगी। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें सहनशीलता दे दूसरों को समझने की, उनकी आवश्यकताओं को परखने की, और बुद्धि दे कि हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकें, उसके हिसाब से प्रोत्साहन दे सकें। किसे चेतावनी की ज़रूरत है, किसे सांत्वना की, और किसे संभालने की? प्रभु, मेरा खुद का आचरण कैसा है, जिसे ऐसा ना हो कि कोई दुर्बल व्यक्ति मेरे वजह से विश्वास से गिर जाए। जब मैं किसी को चेतावनी देता हूँ तो मेरे में प्रेम और अनुग्रह रहे। जो भीरू हैं वो मेरे वचनों के द्वारा उनके आत्मा में सांत्वना आए, विश्वास जागे, उन्हें डर पे काबू पाकर वो प्रोत्साहित और वो करें जो तू उनसे चाहता है, उनके जीवन से चाहता है। वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ मैं खुद आलसी हूँ, जहाँ मैं खुद भीरू हूँ, जहाँ दुर्बल हूँ, कहाँ है जहाँ मेरे को बदलने की आवश्यकता है? धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा कि पिता तूने मेरे जीवन में कई ऐसे अगुवे रखे हैं, लोग रखे हैं, जो कभी मेरे को चेतावनी देते हैं, मेरे को सांत्वना देते हैं, मेरे को संभालते हैं, मेरे पीछे वो परिश्रम करते हैं। पिता, मैं उनका आदर करूं, उनके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनकी सेवा के लिए, उनके परिश्रम के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा, कल हम 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के पद 15 से 18
पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।